ब्राह्मण और बकरी। एक दिन एक ब्राह्मण पास वाले गांव से लौट रहा था। भाई वाह, गांव वालों का भला हो, क्या मोटी बकरी दान में मिली है। उसी वक्त तीन भूखे ठगों ने उसे आते देख लिया और आपस में बातें करने लगे। आहा, क्या मोटी बकरी है। आज दावत का मौका आया है, कुछ चाल चलकर हमें इसे हासिल करना ही होगा। ये कौन सी बड़ी बात है, सुनो सुनो हमें क्या करना है। पहला ठग ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण महाराज, इस कुत्ते को कंधों पे क्यों उठाया है, मजा आ रहा है। बेवकूफ, कुत्ते और बकरी में फर्क नहीं जानते क्या। अरे अरे, गुस्सा क्यों करते हो, तुम्हें मजा आ रहा है तो मुझे क्या। हाय, मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही। नहीं नहीं, ये बकरी ही है। कुछ ही दूर जाने के बाद दूसरे ठग ने उसे रोका। ब्राह्मण जी, ये मरा हुआ गाय का बछड़ा आपका बहुत प्यारा लगता है, फिर भी आपको इसे कंधे पे उठाना शोभा नहीं देता, आप एक ब्राह्मण हो। भैया अंधे हो क्या, हम देखते नहीं, ये एक जीवित बकरी है, बछड़ा नहीं। गुस्सा मत होइए, माफ करना, शायद ये मेरी गलती है। भैया ये क्या हो रहा है, मैं पागल हूँ या वो लोग पागल हैं। ब्राह्मण थोड़ी दूर गया नहीं के। अरे ओ ब्राह्मण, उस गधे को फेंको नीचे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। नहीं नहीं, तीनों के तीनों गलत कैसे हो सकते हैं, वाकई ये बकरी नहीं है, ये तो कोई रूप बदलने वाला भूत है, गांव वालों ने मेरे साथ बहुत ही नीच मजाक किया है। घबरा के बिना कुछ बोले ब्राह्मण ने अपने कंधों से बकरी को नीचे फेंका और जल्द से जल्द वो वहां से भाग गया। ब्राह्मण के वहां से जाते ही उन तीनों ठगों ने उस बकरी को पका के अच्छा भोजन किया। आत्मविश्वास जरूरी है। बाघ और यात्री। एक दिन एक बूढ़ा बाघ जंगल में कीचड़ भरे तालाब के किनारे से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक सोने के कंगन पर पड़ी। चलो इसे रख लेता हूँ, कुछ काम आएगा। अभी दिखाने के लिए लालच तो मिला, अब शिकार का इंतजार करता हूँ। उसी समय एक यात्री तालाब के दूसरे किनारे से गुजर रहा था, बाघ की नजर उस पर पड़ी। आहा, मनुष्य बहुत स्वादिष्ट होते हैं और लालची भी। अरे सुनो सुनो, तुम सोने का कंगन चाहिए, मेरे तो किसी काम का नहीं है ये। सोने का कंगन? अरे वाह, बहुत सुंदर है, पर नहीं, इसके लिए अपनी जान कौन खतरे में डालेगा। पर कुछ देर सोचकर उसने कहा, कंगन मिलता तो अच्छा होता, पर तुम्हारे जैसे खतरनाक जानवर पर भरोसा कैसे करूं। तुम्हारा शक तो ठीक ही है, पहले मैं बहुत बुरा था, पर एक सन्यासी ने मेरा जीवन बदल दिया। इस तरफ आओ और ले लो इस सोने के कंगन को। अगर मैं पास आया तो मुझे सूंघते ही तुम सन्यासी की बात भूल जाओगे। अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे नाखून तो घिस गए हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, आओ आओ इस तरफ आओ और ले लो इसे। यात्री के लालच ने बाघ के डर को भुला दिया। लगता है ये सही में बदल गया है, चलो कंगन ले ही लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरा, कुछ ही क्षण में, अरे यहाँ तो कीचड़ है, मैं फंस गया, अरे बचाओ मुझे कोई, बचाओ, अरे बचाओ। बाघ आराम से यात्री के पास गया और उसे बाहर निकालकर उस पर टूट पड़ा। हे भगवान, कितना मूर्ख निकला मैं, लालच ने तो मेरी जान ही ले ली। लालच इंसान को गिरा देता है। कुत्ता और गधा। किसी जमाने में वाराणसी में एक धोबी रहता था, उसने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। चलो आज का दिन खत्म हुआ, बहुत काम करना पड़ा आज, अभी चैन की नींद सोया जाए। देखा, मालिक आज फिर मुझे खाना देना भूल गया। कुछ घंटों बाद आधी रात में, आहा, ये तो गहरी नींद सो रहा है, मेरा नसीब अच्छा है, चलो जल्दी से थैली भर लेते हैं। हे भगवान, ये तो चोर है,
और मेरा मालिक गहरी नींद सो रहा है। गधे ने तुरंत कुत्ते को सावधान किया। अपने घर में चोरी हो रही है और मालिक गहरी नींद में है, जल्दी करो उसे जगाओ। मैं क्यों जगाऊं? उसे मेरी परवाह ही नहीं है। चोरी होगी तो उसे मेरी याद आएगी, फिर मेरी अच्छी देखभाल करेगा वो। नीच, नमक हराम, अपने मालिक के बारे में ऐसा सोचते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो क्या ठुकराने के लिए उसकी ईमानदारी करूं? मैं उसे नहीं जगाऊंगा। तो अब मुझे ही मालिक को जगाना होगा, नहीं तो चोर चोरी करके भाग जाएगा। ये मूर्ख गधा लगता है आसपास के सभी को जगा देगा, चलो भागो यहां से। धोबी ने उठकर खिड़की से झांक कर देखा, मगर तब तक चोर तो भाग चुका था। इस मूर्ख गधे ने मेरी नींद हराम कर दी, बेवक्त चिल्लाता रहता है, इसे अभी मजा चखाता हूँ। धोबी ने एक लकड़ी उठाई और बुरी तरह गधे की पिटाई की। कुत्ते ने खेद पूर्वक अपना सर हिलाया। बेचारा गधा, चोर तो भाग गया, मालिक तो जानता ही नहीं कि तुमने किस लिए आवाज दी थी। क्या जरूरत थी मेरा काम करने की? देखा, दूसरों के काम में दखल देने का नतीजा। दूसरों के काम में दखल नहीं देनी चाहिए। घमंडी भौंरा। एक समय की बात है, जंगल में एक भौंरा रहता था। सभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। भौंरे को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। एक दिन यहाँ वहाँ घूमते हुए उसने एक हाथी के बच्चे को देखा। वो जाकर उस हाथी के कान पर बैठ गया। अरे कौन है? मैं हूँ सबसे सुंदर भौंरा, मुझे नहीं जानते? देखो तुम कितने मोटे और भद्दे हो, मेरी तरफ देखो, कितने नाजुक सुंदर पंख हैं मेरे। ओह, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाथी के बच्चे ने विनय पूर्वक जवाब दिया। कहाँ जा रहे हो तुम? सब जगह और कहीं भी नहीं, मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मेरे सुंदर पंखों से मैं कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। हाँ, पर एक बात हम दोनों में समान है, तुम्हें सूंड है और मुझे डंक। हाथी ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं मेरी डंक से फूलों से शहद चूस सकता हूँ, पर तुम नहीं कर सकते। अब बताओ हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? हाथी ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये तो बताओ तुम्हारे पैर कितने हैं? चार हैं। मेरे छह हैं। फिर से एक बार, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। भौंरा अपनी बात पूरी कर ही रहा था, तभी जोर से हवा बहने लगी। जल्द ही वहाँ तूफान आ गया। पत्तियाँ, धूल, सब कुछ तेजी से बहने लगे। छोटा सा भौंरा ज्यादा देर नहीं टिक सका। एक क्षण में वो भी तूफान में बह गया। बचाओ, बचाओ, मैं बह रहा हूँ। हाथी ने उसे बचाने की कोशिश की, पर तब तक भौंरा तूफान में गुम हो गया। हाथी का बच्चा अपने चार पैरों पर, अपना भारी शरीर परंतु निर्मल हृदय लेकर वहां से चला गया। निर्मलता सुंदरता से श्रेष्ठ है।